गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आ गए सभी लोग शायद पापा के बीच में आएंगे एक घंटे बाद। कोई बात नहीं। हाँ हम क्या पढ़ रहे थे? डीएनए फिंगरप्रिंट। ये पर चल रहा था हमारा साइड पर डीएनए और इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजीज थी, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस क्या होता है, बल्क डीएनए क्या होता है, कोडिंग क्या होता है, नॉन कोडिंग क्या होता है, एसएनपी क्या होता है ना, माइक्रो सैटेलाइट क्या है, मिनी सैटेलाइट क्या है, या सैटेलाइट डीएनए क्या होता है और इसकी इम्पोर्टेंस पॉलीमॉर्फिज्म है। तीन तरह से बताई थी मैंने, आरएफएलपी, आरएपीटी, एएफएलपी। ठीक है, ये तो हमने कल पढ़ा था और कल हमने इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की मेथोडोलॉजी पढ़ी थी। मतलब कल कुछ कुछ मतलब मैंने बता तो दिया शायद मेथोडोलॉजी दो लोग जिसे मैंने इसमें तीन टेक्निक बताई थी कि भाई ये तो यूज आती ही है। जैसे मैंने कहा था कल कि भाई एक तो हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले सदर्न ब्लोटिंग करवाएंगे। डीएनए है तो हम सदर्न ब्लोटिंग कर देंगे, अगर आरएनए होता तो नदर्न ब्लोटिंग करेंगे। इसके अलावा दूसरा मैंने बताया था वो था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये टेक्निक है, क्रिस टेक्निक यूज करेंगे और लास्ट में हम जो यूज करेंगे वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी तो हमने ये कल ये तीनों चीजों के बारे में पढ़ा भी था, तो आज इस प्रोसेस को हम अप्लाई करेंगे। थोड़ा डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे, अगर डायग्राम बनेगा तो ठीक है, देखना समझ जाना। शायद डायग्राम प्रॉपर नहीं पढ़ना मेरे से पेन टेप पे, बोर्ड वर्क अलग चीज होती है। हाँ तो हमने बताया जैसे मान लो कोई क्राइम सीन है, हम यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ क्राइम हुआ, क्राइम प्लेस या क्राइम सीन बोल दो, यहाँ पर वहां से हमने क्या लिया, सैंपल, सैंपल का कलेक्शन किया। हमें सैंपल कुछ भी हो सकता है, ये सैंपल बाल हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, ठीक है, टिश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी वो हमने ले लिया। और लेने के बाद में इसको भेजते हैं फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। अगर क्राइम हुआ है तो FSL होता है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये विधि विज्ञानशाला से कुछ बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसका जो सैंपल दिया है, इस सैंपल से डीएनए को आइसोलेट करते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये चीज़ तो चलो प्राइमरी पहले की चीज हो गई, इसके बाद क्या होगा, सेल हेयर से, ब्लड सेल्स या टिश्यूज, इनसे जो सेल मिलेगी, सेल्स प्राप्त होगी और इन सेल्स से हम क्या करेंगे, डीएनए का आइसोलेशन। ठीक है, जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड था, उसमें हमने एंजाइम डाले जो प्रोटीन मेम्ब्रेन को इनको डिजोल्व कर देंगे, फाइनली क्या बचेगा, डीएनए। डीएनए आइसोलेशन एक टेक्निक है, तो इस टेक्निक के द्वारा हम ओनली इसमें इसे डीएनए प्राप्त करेंगे। ठीक है, सैंपल से सेल निकाली, सेल से टिश्यू, सेल्स और टिश्यू जो भी है उनको डिग्रेड करके उनसे केवल डीएनए प्राप्त करेंगे, बाकी और सारे पार्ट इनसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये टेक्निक है। प्रैक्टिकल तुम्हारा सीनियर हायर क्लासेस में जाओगे वहाँ पर डीएनए आइसोलेशन का प्रैक्टिकल भी है, तो वहाँ से समझ जाना तुम्हें डीएनए को आइसोलेट कर लिया हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब क्या करना, डीएनए आइसोलेट करने के बाद में ये मान लो ये डीएनए है, तो इस तरह से काफी बड़ा डीएनए था। ठीक है, क्या है ये,
डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। अब दूसरा स्टेप जो मैंने कल बताया था, वो बताया था फ्रेगमेंटेशन, डीएनए आइसोलेशन करेंगे फिर फ्रेगमेंटेशन बाई रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, आइसोलेटेड डीएनए, आइसोलेटेड डीएनए से हम क्या करेंगे, आइसोलेटेड डीएनए जो है उसका हम फ्रेगमेंटेशन करेंगे और वो एक स्पेसिफिक एंजाइम होगा बाई रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस। कोई भी एक, जैसे मान लो हमने एक आर वन ले लिया, तो आर वन जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। अच्छा, अब अगर इस सैंपल के लिए हम ये वाला एंजाइम यूज कर रहे हैं, तो अदर हम उस अदर जो सैंपल हम लेंगे सस्पेक्टेड से, जैसे क्राइम प्लेस है, ये क्राइम सीन जहाँ पे था वहां से हमने ये सैंपल लिया, पर हमारे पास सस्पेक्टेड भी होंगे, ठीक है, सस्पेक्टेड भी, उनका उनका भी यही प्रोसेस फॉलो होगा। तो पहले हम एक पढ़ लेते हैं, जहाँ से थोड़ी तेज बोलो, मैं तेज ही बोल रहा हूँ काफी, ऑलरेडी बहुत तेज आवाज आ रही है। हाँ, मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम है लैपटॉप में ही शायद, मैं काफी तेज बोल रहा हूँ। देखिए, इस लैपटॉप को जब मैं कभी यूज करता हूँ वैसे मूवीज वगैरह के लिए, तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही इसमें, तो शायद इसमें समस्या हो रही है, इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट कर लो, क्योंकि अभी मैं जा नहीं सकता ना, जैसे अभी इसे दिखाने का जाऊँ टाइम नहीं मिला, संडे को देखूंगा, देखे मतलब इसमें कुछ होता है तो। अब वही बात है, अगर संडे को इसे दे देता हूँ तो फिर वो मंडे ट्यूजडे वेडे तक देगा, तब तक क्लासेस मिस हो जाएगी, ये बात है, इसलिए मैं इसे लेके नहीं जाना चाह रहा। हाँ, अगर माइनर प्रॉब्लम होती है इसमें तो मैं एंड्रॉइड से ही करूँगा, ठीक है। आवाज इतनी तो आ रही होगी शायद, ईयरफोन थोड़ा लाउड कर लो, और क्या है इसमें कुछ है भी नहीं, दिख भी नहीं रहा मुझे जहाँ से मतलब होता है, बाकी आवाज फुल हो रही है हर जगह। ईयरफोन्स में तो सही आ रही है आवाज। अच्छा, ईयरफोन्स में सही आ रही है ना, तो ईयरफोन यूज कर लो फिर, तुम ऐसा करो। सर मेरे पास में सर ईयरबड्स है। अच्छा, कभी कभी कम आती है, पता नहीं, हो सकता कभी कभी तो शायद मेरी आवाज धीरे हो जाती होगी, ये भी हो सकता है। हाँ, मैं से कह रहा हूँ, मैं से कह रहा हूँ कि जैसे हमने ये डीएनए सस्पेक्टेड डीएनए जिस जहाँ से लिया है उसका हमने ये जो प्रोसेसर हम इसके लिए फॉलो करेंगे, वही प्रोसेसर बाद में इसके लिए फॉलो करेंगे जो सस्पेक्टेड, मान लो कोई ए है, बी है, सी है, जिस जिन पर हमें शक है उनको भी यही प्रोसेसर फॉलो करेंगे। तो हम एक पढ़ लेंगे और फिर उसे आप समझ जाना, इसी ढंग से पढ़ना। हमने इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो सदर्न ब्लॉटिंग, फिर सेकेंड है हाइब्रिडाइजेशन, और थर्ड था कौन सा, ऑटो रेडियोग्राफी। तो अब हम उन तीन पार्ट को एक सिक्वेंस से पढ़ रहे हैं। अभी चल रहा क्या, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग का मतलब क्या हो गया, ब्लॉटिंग करना, ब्लॉटिंग मीन्स जो जो डेंट्स है, जो डीएनए है उसको नाइलोन या नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन पर लेना, वो ब्लॉटिंग होता है, ठीक है। तो जहाँ हम जब इस प्रोसेसर के थ्रू हम जहाँ जब ब्लॉटिंग पर पहुंचेंगे वहां पर ब्लॉटिंग पूरी हो चुकी होती है, ठीक है। तो वैसे तुम्हारे कोई लिखने का तो है ही नहीं अभी मेरे ख्याल से, एग्जाम एमआर के बैच, एमआर बैच के हो तो तुम सिर्फ स्टेप बाय स्टेप समझ जाना कि वो कह रहा है, ठीक है। तो हम मैंने ये कहा कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस यूज करेंगे, और ये क्या होता है, स्पेसिफिक साइट पर कट करते हैं। तुमने बायोटेक्नोलॉजी ढंग से पढ़ ली है तो पता है कि ये एक डीएनए की स्पेसिफिक साइट होती है, जैसे इसमें कौन सी है, जी ए ए टी टी सी, ये साइट जहाँ पे होगी 5-3 डायरेक्शन में, है ना, जी ए ए टी टी सी इस तरह से, तो वहां पर ये कट करेगा। तो डीएनए में जहां पर भी ये सीक्वेंस आएगी वहां पर कट कर देगा, ठीक है। ऐसे ही अदर डीएनए लेंगे उसमें भी वहीं पर कट करेगा जहां पर सीक्वेंस होगी, ठीक है, ये चीज चलती रहेगी। तो एक स्पेसिफिक जगह पे कट करने के कट करता है, इसलिए ये एंडोन्यूक्लियस यूज किया जाता है, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं लेकिन यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हम यूज करेंगे। इससे क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज किया मान लो यहाँ पे, तो ये डीएनए जो है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट जाएगा। कंप्लीट डीएनए है, जहां जहां ये साइट होगी वहां वहां ये डीएनए फ्रेगमेंट्स के रूप में हमें मिल जाएगा।
ठीक है, यहाँ तक तो पता लग गया तुम्हें कि डीएनए फ्रेगमेंट्स के रूप में मिलेगा। अब इसके बाद अगला जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, डीएनए फ्रेगमेंट में मिल गया, अब क्या करेंगे इनको, अब इनको अगला प्रोसीजर होगा वो है सेपरेट करने का, तीसरा। तो फ्रेगमेंट्स है उनका सेपरेशन करेंगे। सेपरेशन किसके द्वारा करेंगे, बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अच्छा, अगर ये एक बोर्ड होता तो ये पूरा डायग्राम एक बार में बन जाता है एक ही बोर्ड पे, लेकिन अब क्या है कि इसमें स्पेस कम है तो ये अलग अलग डायग्राम बन रहे हैं अलग अलग पेजेस पे, तो थोड़ा ध्यान रखना ये एक पेज पे ही बनता है वैसे जब भी पढ़ाता हूँ उसको मैं। अच्छा, इलेक्ट्रोफोरेसिस समझ में आया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या करना, डीएनए को रन कराना। जेल मींस कौन सा जेल होता है, ये अगार होता है, अगारोस बोल देंगे इसको, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। एक होता है पेज भी होता है, ये प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन के लिए पेज करते हैं, पी पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, कई नाम आ जाए मान लो, तो ध्यान रखना प्रोटीन जो होता है उसमें जो जेल होता है वो पॉली एक्रिलेमाइड का बना होता है, पॉली एक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ये है इसमें, पॉली एक्रिलेमाइड। यहाँ पर कौन सा है, एगेरोस, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ध्यान रखना अगार अगार जो होता है ना, एक क्वेश्चन पहले आता था अगार अगार किससे प्राप्त होता है, तो वह जिलेडियम शैवाल से प्राप्त होता है, एक एल्गी है जिलेडियम, ग्रेसिलेरिया जिलेडियम, जिलेडियम दूसरे ग्रेसिलेरिया, तो इनसे प्राप्त होता है। तो अभी तो कोई बनता नहीं क्वेश्चन यहाँ पे, तो बनी नहीं था, फिर भी ध्यान रखना थोड़ा सा ना। अब इसमें मैंने बताया था तुम्हें कि भाई कुछ नहीं होता, जो अगार होता है ना, अगार को गर्म किया जाता है, गर्म करने से क्या हो जाता है, अगार लिक्विड फॉर्म हो जाता है, जब ये पॉलीमराइजेशन होगा ना अगार का, तब अगार जेल बनेगा, तो उससे पहले इसे गर्म करते हैं, और भी कुछ केमिकल मिलाते हैं, मेरे काम का नहीं है, बस हमें ये पता करना है अगार से कैसे, अगार एल्गोरिथम चेंज होगा, एक पतली फिल्म मतलब क्या बनाता है ये, एक लिक्विड फॉर्म बनाता है, बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा, जैसे मोम होती है, मोम की तरह, मोम गर्म करते हैं लिक्विड हो जाता है, फिर जैसे ही अब ये मैंने एक प्लेट बनाई है कांच की, ऐसी दूसरी प्लेट इसकी उस तरफ होगी, दूसरी प्लेट ऐसे इसके इस तरफ होगी, इस तरह से एक प्लेट और होगी, दोनों चिपकी हुई है ऐसे, दो प्लेटें हैं कांच की, तो इस दोनों कांच की प्लेटों के बीच में क्या करेंगे, अगार को डालेंगे, तो अगार इधर से डालेंगे, इसमें डालेंगे तो क्या होगा, तो लिक्विड फॉर्म है वो, लिक्विड फॉर्म वाला अगार इस दोनों प्लेटों के बीच में यहाँ पर भर जाएगा, पूरा ये पूरा भर जाएगा, भरने के बाद यहाँ पर एक कोम्ब जो होता है ना, कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो डाल देंगे इसमें, गर्म गर्म अगार में ही, गर्म अगार होगा, उसे भरने के बाद या कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर डाल देंगे, उससे क्या होगा, जब ये अगार सूखेगा मतलब ठंडा होएगा, ठंडा होते क्या हो जाएगा कि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, जब गर्म होगा वॉट मतलब क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ये, और अगर जब कोल्ड ठंडा हो जाएगा, नॉर्मल कोल्ड मतलब ठंडा ही मान लो इसे ना, नॉर्मल लिक्विड नॉर्मल फॉर्म में सॉलिड हो जाएगा, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो जाएगा, ये मान लो जो ही सॉलिड होगा, तो कोम को निकालो तो यहाँ पर कुछ ये छेद नुमा मतलब ऐसे स्पेस बच जाएगा यहाँ पर, ये इसलिए बनाया है ताकि जब हम इसमें सैंपल डालेंगे तो क्या होगा, पता रहेगा भाई हमने सैंपल यहाँ पर डाला है। तो जैसे मान लो ये चार है, चार बनाए मैंने, एक दो तीन चार, हमने क्या किया, जो सैंपल लिया था, सैंपल वाले जो फ्रेगमेंट है डीएनए, सैंपल डीएनए जो था उसके फ्रेगमेंट्स को यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा कि वो फ्रेगमेंट्स ऐसे रन करेंगे, ऐसे रन क्यों करेंगे, क्योंकि इधर तो क्या है नेगेटिव एंड, इधर क्या है पॉजिटिव एंड, ये ध्यान रखना, पॉजिटिव एंड है इसका, ये नेगेटिव एंड है,
और डीएनए कौन सा होता है, नेगेटिव एंड होता है। तो सैंपल डीएनए को हमने इस फर्स्ट कॉलम में डाल दिया, चार कॉलम बनाए ना, तो फर्स्ट कॉलम में क्या डाला हमने, सैंपल डीएनए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी चालू करेंगे। जो ही चालू होगा तो क्या होगा, डीएनए इसमें डाला था, इसमें जो ये वेल बनी हुई थी छोटी सी, डालने के बाद डीएनए धीरे धीरे रन करेगा इधर। 20-30-40 मिनट बाद क्या हो जाएगा, जो डीएनए रन करेगा ऐसे चलेगा, ये पूरा सॉलिड जेल है, ध्यान रखना ये जेल है लेकिन सोलिडिफाइड है, ये जेल है जिस अभी जेल में छोटे छोटे छेद होंगे, इस जेल में क्या होंगे, बिल्कुल स्पंज जो होता है ना वैसे जेल बन जाएगा, और छोटे छोटे छेद होते हैं स्पंज, वैसे छोटे छोटे पोर्स इसमें होंगे, उन पोर्स से होते हुए डीएनए रन करेगा। फिर मैंने तुम्हें यही बताया था कि जैसे एक बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो ऊपर रह जाएगा, बड़ा फ्रेगमेंट ऊपर रह जाएगा मतलब कम रन करेगा उसी टाइम में, और छोटा फ्रेगमेंट होगा वो अधिक रन करेगा, ये मान, और मीडियम साइज के फ्रेगमेंट है वो बीच में अपने साइज के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखना कि ये तो है, ये कौन सा है, शॉर्ट फ्रेगमेंट है, शॉर्ट फ्रेगमेंट सबसे नीचे होगा, और जो लार्ज फ्रेगमेंट होगा वो तो सबसे ऊपर होगा, लार्ज फ्रेगमेंट। ये तो पता लगी गया तुम्हें कि लार्ज फ्रेगमेंट ऊपर होता है, रीजन ही बता दिया कि लार्ज जो होता है उसका साइज बड़ा है तो वो पोर्स को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाता, जबकि जो स्मॉल फ्रेगमेंट है वो आसानी से रन करेगा और नीचे तक पहुंचेगा, अधिक दूरी तय करेगा एक फिक्स टाइम में। ये टाइम सबकी सबका सेम है, जैसे 20 मिनट मान लो, 30 मिनट मान लो, जितने टाइम रन करेंगे उतना ही ये बैंड्स आगे जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों के शायद कि हमने क्या किया, फ्रेगमेंट्स जो हमें प्राप्त हुए थे, बहुत सारे फ्रेगमेंट थे, अभी हमने बताया था ऐसे फ्रेगमेंट थे, इन फ्रेगमेंट को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, बड़ा फ्रेगमेंट ऊपर और शॉर्ट फ्रेगमेंट नीचे, बीच में मीडियम फ्रेगमेंट वाले। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब पहले क्या किया हमने, हमने फर्स्ट क्या किया, डीएनए को आइसोलेट किया ब्लड सेल्स या कोई भी सैंपल से, फिर डीएनए को आइसोलेट या एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको फ्रेगमेंट किया। अब क्या किया उसको हमने, अब क्या किया हमने उसको सेपरेट कर लिया, इतनी समझ में आ गया ना। अब क्या होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, यहाँ बना देता हूँ। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम करेंगे ब्लोटिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, सदर्न ब्लोटिंग। क्या करेंगे, इस जो बैंड्स है ना, ये बैंड्स, इन बैंड्स को, बैंड्स में क्या है, डीएनए है, इनको हाँ क्या करेंगे, ट्रांसफर्ड, हाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू नायलोन बोल दो या नाइट्रोसिल बोल दो, अलग अलग है, ट्रांसफर टू नायलोन या नाइट्रोसेल्यूलोस मेम्ब्रेन। हम ये कह रहे हैं कि डीएनए को मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना ब्लोटिंग कहलाता है, इसे क्या कहेंगे हम, ब्लोटिंग। क्या कर रहे हैं हम, ब्लोटिंग कर रहे हैं, किसकी ब्लोटिंग कर रहे हैं, डीएनए की। तो इस टेक्निक को कहेंगे हम सदर्न ब्लोटिंग। देखो अगला उसमें स्लाइड में देखते हैं, मैंने बताया कि हमारे पास जैसे ब्लोटिंग में क्या होता है, जैसे डीएनए है तो सदर्न ब्लोटिंग हो गई ना, तो सदर्न लिख सकते हैं, सदर्न ब्लोटिंग क्या हो गई, टेक्निक है ब्लोटिंग कर रहे हैं। ब्लोटिंग में क्या होगा, जैसे हमारे पास एक ये एग्रोस जेल की फिल्म थी जिसमें बैंड थे, है ना, एक की बात कर रहे हैं अभी अपना, ना जैसे उसमें एक दो तीन और चार बैंड थे मान लो, ठीक है। अब क्या करेंगे इस पर, इसको हम इसको ऐसे बना लेते हैं, अपन इसे दो तरीके बना रहा हूँ, एक तो ये कि इस फिल्म को हम ऐसे रखेंगे, ये बैंड है 1 2 3 4, है ना, और इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या करेंगे, दूसरी मेम्ब्रेन,
इस तरह से एक मेम्ब्रेन होगी वो इस पर रख देंगे, ठीक है। ठीक ऐसे ही क्या होगा कि ये जो मेम्ब्रेन है नाइट्रोसेल्युलोज की, उसको ऐसे रख दो और जो बैंड वाली मेम्ब्रेन है उसको उसके पास लगा दो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे भी, मैं दोनों तरह से बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। इस पर बैंड थे इस तरह से। अब देखो एक तो ये है, इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन कैसे लगा दिया हमने, मेम्ब्रेन को लगा, ये मान लो ये कोई लिक्विड पार्ट है, इसमें लिक्विड है भरा हुआ, ठीक है। मेम्ब्रेन रखी हुई है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, जेल रखा हुआ है, जेल के ऊपर मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन के ऊपर क्या करेंगे हम, एक कोई वेट, कोई भी वेट, ये वेट रख दिया मेम्ब्रेन के ऊपर, हो सकता है फिल्टर पेपर है, ये मान लो ये येलो वाले फिल्टर पेपर है, कोई भी वेट रख दिया, पेपर भी हो सकता है फिल्टर पेपर, उसके ऊपर वेट है ना, कुछ फिल्टर पेपर लगा दिए, तो उससे क्या होगा कि कैपिलरी एक्शन होगा, क्या होगा ऐसे इधर से कैपिलरी एक्शन होगा, और कैपिलरी एक्शन से क्या होगा कि नीचे तो क्या है ब्लू वाली फिल्म है जो एग्रोजेल है, ऊपर रेड वाली फिल्म है जो नाइट्रोसेल्युलोज है, तो नीचे से ऊपर जब जाएगा कैपिलरी एक्शन होगा तो डीएनए भी ट्रांसफर हो जाएंगे इस मेम्ब्रेन पे। एक तो ये तरीका है, इसमें टाइम लगता है, फर्स्ट वाले तरीके में टाइम लगता है, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटे, जितने भी है, लेकिन नीचे वाला है उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि जैसे ये इसे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, इसको मानेंगे, इसको जेल को इसे पॉजिटिव मान के चलेंगे, सॉरी नेगेटिव, इसे नेगेटिव चार्ज देंगे और ये वाला रेड वाला इसे पॉजिटिव चार्ज देंगे, ठीक, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो डीएनए किधर से करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डीएनए रन करेगा ऐसे, इधर ब्लू से रेड की ओर, जब डीएनए रन करेंगे तो बैंड आ जाएंगे इस रेड वाली फिल्म पे। कुल मिला के दोनों ही केस में हम देखेंगे कि जो ये रेड वाली जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बनाई है हमने, इस मेम्ब्रेन पर क्या हो जाएगा, ये बैंड्स ट्रांसफर हो जाएंगे। कौन सी मेम्ब्रेन है ये, नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन या नाइलॉन मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जरूर नहीं कि तुम कौन सा टेक्निक यूज कर रहे हो, सिंपल तो यही है, इसमें सीधा मतलब इजीली हो जाता है, इसमें ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ लिख देता हूँ ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो डीएनए नेगेटिव से पॉजिटिव रन कर रहा है, तो डीएनए इस जेल से, ये ब्लू कलर में क्या है, जेल है और ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जेल है, तो जेल से मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, ब्लोटिंग कहलाता है। ब्लोटिंग अगर ब्लोटिंग डीएनए की कर रहे हैं तो सदर्न ब्लोटिंग कर देंगे, और ब्लोटिंग अगर आरएनए की कर रहे हैं तो नदर्न ब्लोटिंग कर देंगे। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से वो समझ में आ गया होगा जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया था आपको, क्या सदर्न ब्लोटिंग, तो उसमें तीन, तो उसमें क्या किया हमने, डीएनए को सैंपल को आइसोलेट किया, सैंपल लिया, उसमें से डीएनए आइसोलेट किया, फिर डीएनए को फ्रेगमेंट किया, फिर उस पर सेपरेट किया फ्रेगमेंट्स को, और फिर उसको सेपरेट करने के बाद में हमने उसकी ब्लोटिंग की, हमने उन बैंड्स को जो उस बैंड में स्थित डीएनए को हमने कहाँ पे लिया, नाइट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन पे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सर। फर्स्ट वाले में फिर सॉल्यूशन क्या, आवाज क्लियर नहीं है तुम्हारी, हेलो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, अरे और किसको भी आ रही क्या आवाज उसकी, आवाज आ रही है सबको, अरे आवाज आ रही है क्या, अर्जी क्या हो रहा है,
हेलो सर, हेलो हेलो। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है आपको सबको? ठीक यस सर। है, ये नेटवर्क इशू हो रहा था थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सेट चेंज किया है, तो देखो आ रही है ना आवाज सबको? यस सर। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट अभी हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट, इसमें पढ़ा था हमने सदर्न ब्लोटिंग, सदर्न ब्लोटिंग। इसमें क्या किया था हमने, डीएनए को आइसोलेट किया था, उसे रेस्ट फ्रेगमेंटेशन किया था, और फिर उसको इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के सेपरेट किया था, और सेपरेट कराने के बाद में हमने क्या किया, उसको नाइट्रोसेलुलोज या नायलोन मेम्ब्रेन पे ले लिया। यहां तक आपके समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब इसका दूसरा प्रोसेस था, वो कौन सा था? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। किसका? देखो यहाँ पर हमें एक मेम्ब्रेन मिली थी, उस मेम्ब्रेन में डीएनए है। अबे ध्यान रखना, मेम्ब्रेन पर हमने ट्रांसफर किया था ना, अब तक जो भी किया हमने, बैंड तो मैंने पहले शो कर दिए, एक्चुअली बैंड दिखते ही नहीं है, ये भी ध्यान रखना, इमेजिन करना। जैसे मान लो इसमें बैंड है, हमें दिख नहीं रहे, ना तो पहले दिख रहे थे, ना तो एगरोस जेल पे दिख रहे थे, ना इस पे दिख रहे हैं, लेकिन हम मान के चलते कि भाई यहाँ पे बैंड थे, क्योंकि बाद में दिखेंगे, हमें बाद में दिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे, किससे कराएंगे? ये जो डीएनए है ना, हाइब्रिड, ये जो बैंड्स है, इससे विद प्रोब्स, रेडियो एक्टिव प्रोब्स। और मैंने कल बताया था कि इसमें सैटेलाइट डीएनए को भी एज ए रेडियो एक्टिव प्रोब यूज कर सकते हैं, नहीं कोई नई, नहीं तो फिर क्या होगा, दूसरा कोई नया डिजाइन प्रोब भी डिजाइन कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि हम किसका मतलब क्या ले रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये भी जरूरी नहीं है हम प्रोब यूज करें, ये भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कई टेक्निक ऐसी होती है जिसमें ये, जिसमें क्या होता है, जैसे रेडियो एक्टिव प्रोब है, वो तब क्यों यूज करते हैं, ताकि हम रेडियोग्राफी कर सके, मतलब ऑटो रेडियोग्राफी कर सके, इसलिए यूज होता है। कई टेक्निक ऐसी जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज ना करके सीधा डाई यूज कर लेते हैं या फिर एंजाइम यूज कर लेते हैं। इन दोनों का रोल क्या है, डाई का या रेडियो एक्टिव एलिमेंट का? ताकि हमें बैंड विजुअलाइज हो जाए, बैंड दिखना स्टार्ट हो जाए। तो डाई में क्या है कि थोड़ी मोटी मोटी चीज दिख जाती है, डाई थोड़ा मतलब ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। हाँ, रेडियो एक्टिव प्रोब जो होता है वो एक्यूरेट रिजल्ट देगा, इसलिए इसका यूज करते हैं। ध्यान रखना, यह मैंने क्या बताया, रेडियो एक्टिव प्रोब होता, प्रोब क्या है, मैंने कल बताया था, एक शॉर्ट सेगमेंट होता है डीएनए का, जो हम जो सैंपल ले रहे हैं उसका कोई ना कोई पार्ट ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसके एक हिस्सा इस स्टेट का, इस स्टेट का एक एक हिस्सा जो होगा उस पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लगा होगा। ये हो गया प्रोब, क्या हो गया, ये प्रोब। अब इस प्रोब को क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे, और डीएनए भी डीनेचर होगा। मेरे बुक में दे नहीं रखा है सब कुछ, मैं बता देता हूँ, ये डीनेचर किया जाता है। इसको डीनेचर करने का मतलब हो गया कि इसमें जो बैंड्स में डीएनए जो है, तो डबल स्टैंडर्ड था, बैंड्स में क्या है, डीएनए है, डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड है, तो उसे सिंगल स्ट्रैंड में चेंज कर दिया जाता है, पास पास होते हैं। जैसे ये डीएनए फ्रेगमेंट था और ये डबल स्टैंडर्ड है, तो बाद में ये इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड में चेंज हो जाएगा, ये बैंड सिंगल स्ट्रैंड में, तो दोनों स्ट्रैंड पास पास ही रहेंगे, इसलिए बहुत दूर होंगे, लेकिन जब बैंड डीनेचर होगा ना ये, तभी ये प्रोब बाइंड हो पाएगा, क्योंकि तो प्रोब भी क्या होगा बाद में, प्रोब भी क्या होगा बाद में, इसे भी डीनेचर किया जाएगा। डीनेचर करेंगे तो इस तरह से ये भी अलग अलग हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? जैसे मान लो यहाँ पे बैंड है, यहाँ पे भी ये भी डीनेचर हो गया, एक बैंड यहाँ, ये भी डीनेचर हो गया, एक बैंड यहाँ था, यहाँ पे भी डीनेचर हो गया। अच्छा, हमें दिख नहीं रहा, ये ध्यान रखना, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ बैंड थे। हमने क्या किया, प्रोब डाले इस पे, बहुत सारे प्रोब डाल दिए, ये क्या है, छोटे छोटे प्रोब है। प्रोब ऐसे नहीं कि एक पकड़ के डाल रहा है, प्रोब तो बहुत सारे डालेंगे इसमें, सेम सेम ही प्रोब होगा, सेम साइज होगी, सेम प्रोब होगा, सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगी, सेम साइज होगी, सब कुछ सेम होगा, मतलब इस तरह के क्लोन्स होंगे,
कौन सा प्रोब, बहुत सारे प्रोब डालेंगे, उनमें से जो प्रोब मतलब जो प्रोब होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस से बाइंड हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस से बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद में ये बाइंड हो जाएगा किससे, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस से। जैसे मान लो इस डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री सिक्वेंस के लिए बताई थी मैंने, यहाँ पर होगी ये जुड़ जाएगा, यहाँ पे दूसरा यहाँ पे जुड़ेगा इसके अपोजिट, जस्ट इस तरह से जुड़ गया, रेडिएटिव प्रोब है जुड़ गया। जुड़ने के बाद इसे वॉश कर देंगे, जो वॉश क्यों करेंगे, ताकि एक्स्ट्रा जो प्रोब वो रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ अनबाइंड, एक्स्ट्रा मीन्स अनबाइंड प्रोब्स, ये भी ध्यान रखना। अब होता क्या है कि जैसे मान लो इस बैंड से बाइंड हो गए, इससे बाइंड हो गए, इससे नहीं हुए, इससे नहीं हुए, ऐसा मान लो ये किसी इन तीनों में से किसी दो से ये एक से बाइंड हुआ बाकी नहीं हुआ, हो सकता है चारों से बाइंड नहीं हो, ये भी संभावना है कि प्रोब चारों से बाइंड ना हो, क्योंकि नहीं होगा तो बैंड दिखेगा ही नहीं, और दिख जाएगा अगर होगा तो बैंड दिखेगा, मेरा मतलब ये है, आगे समझ में आएगा। तो मैं हम इसे जब इसे वॉश करेंगे, वॉश करने के बाद क्या करेंगे, मान लो ये वॉश कर दिया, वॉश होने के बाद सारे अनबाइंड जो प्रोब तो तड़ जाएंगे, और जो बाइंड प्रोब है वो हो सकता है इस बैंड से जुड़े हुए हो। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ, हमने रेडिएटिव प्रोब लिया, उस प्रोब को जो डीनेचर डीएनए है जो बैंड्स के अंदर है उससे हमने उसे जोड़ दिया, ये टेक्निक कहलाती है हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक आपके बिल्कुल इजीली समझ में आ गया होगा। अब जो थर्ड प्रोसीजर था जो मैंने क्या बताई थी, फोटो फोटो रेडियोग्राफी, फोटो रेडियोग्राफी का मतलब क्या हुआ, देखो अभी हमें फिल्म प्राप्त हुई, ये वाली नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन थी, उस मेम्ब्रेन पर डीएनए था, डीनेचर डीएनए था, उस डीएनए पर हमने क्या किया, रेडियो एक्टिव प्रोब को जोड़ दिया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि इस रेडियो एक्टिव फिल्म से हम जोड़ देंगे क्या, एक और एक्सरे फिल्म है ना, इसके अटैच जस्ट इसके टच में कैसे कैसे बनाता हूँ, इसके टच में बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसके बिल्कुल जुड़ती हुई एक्सरे फिल्म, नहीं वो पहले वाली स्लाइड चला दो, एक मिनट मैं अभी फिर रिवाइज कर दूंगा सारा, ये ना ऐसे समझते हो डायग्राम भी ठीक से नहीं बन रहा। ठीक बन जाता है सब समझ में आता है। ये मान लो ये ब्लैक वाली है, ये एक्सरे फिल्म है, ठीक है, और ये रेड वाली है, ये है नाइट्रोसेलुलोस, ये नाइलोर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, रेड वाली मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस एक्सरे फिल्म को इसके टच में लाएंगे और डार्क रूम में ले जाएंगे, कोई भी डार्क रूम है वह देखेंगे, हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो मतलब बैंड्स क्या शो करेंगे, रेडियो एक्टिविटी बैंड्स जो है, बैंड्स किसमें है, बैंड्स है मेम्ब्रेन में है ना, बैंड्स जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या था इसमें, प्रोब था, इसके कारण प्रोब के कारण प्रोब था इसके अंदर, जो अंधेरे में जाएगा तो वो एनर्जी मतलब रेडियो एक्टिविटी रिलीज करेगा, उससे क्या होगा कि वो किस पे आ जाएगी, एक्सरे फिल्म पे आ जाएगी, एक्सरे फिल्म जो होगी जो हमने ली है वहाँ पर ये ट्रांसफर हो जाएगी। एक मिनट से बात करते, हेलो हेलो कौन, क्लास ले रहा हूँ भैया ना, मैं करता हूँ कौन, हाँ हेलो। तो मैं बता रहा था पहले वाली स्लाइड कर देगा, जस्ट 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 एक मिनट ये पूरा कर लेते हैं, इतना सब हो गया पूरा, फिर दोबारा रिवाइज कर दूंगा उसको, और पहले वाले था ना, एक्सरे फिल्म पे क्या हो जाएंगे, बैंड्स आ जाएंगे, ये मान लो ये क्या है एक्सरे फिल्म,
हम इसे जब डार्क रूम में ले गए तो बेंड्स ने क्या किया, बेंड्स जो थे उसमें रेड के एलिमेंट था, उससे एनर्जी रिलीज होगी और हमें क्या होंगे ये बेंड्स दिखना शुरू कर। मान लो इसमें चार दखरा चार बता था ना, चार में से दो ही बैंड शो हो रहे हैं ये मान लो आप, तो ये चलो तीन मान लो, तीन को एक नहीं हो रहा, एक से बाइंड नहीं हुआ ये, तो इस तरह से हमें ये बैंड्स प्राप्त हो गए। अब पहली वाली स्लाइड देख सकते हैं, दो ही स्लाइड हमारे पास है और तो डिलीट हो गई है। हाँ इसमें क्या पूछना था सर, स्क्रीनशॉट लेना था। हाँ इससे पहले स्क्रीनशॉट लेना था। अच्छा स्क्रीनशॉट ठीक है ले। तो मैं कह रहा हूँ इस स्लाइड से समझ लेते अपन, इससे समझ लेते हैं ना। पहले हमने क्या किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, सबसे पहले हम क्राइम सीन पे गए, वहां से हमने क्या लिया सैंपल लिया, ठीक है सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद क्या किया उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया, डीएनए ऐसे कैसे किया, फिर क्या किया डीएनए लेकर फ्रेगमेंटेशन किया, फ्रेगमेंटेशन करने के बाद क्या किया सेपरेशन किया, सेपरेशन करने के बाद क्या होगा उसे ब्लोटिंग की। ये सारी चीजें किसमें आ गई फर्स्ट वाले में, ठीक है। ब्लोटिंग करने के बाद क्या किया हमने हाइब्रिडाइजेशन किया, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि हम रेडियो एक्टिव प्रूफ से डीएनए को जोड़ देंगे, मतलब रेडियो एक्टिव प्रूफ से ट्रीट कराएंगे इसको, इस फिल्म को, इससे क्या हो जाएगा कि प्रूफ है उस डीएनए से जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम जो अनबाइंड जो प्रोब होंगे हम इसे वॉश करेंगे, वॉश करते क्या हो जाएगा अनबाइंड जो प्रोब होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, रिमूव करने के बाद क्या होगा हम इसके पास एक्सरे फिल्म लेके आएंगे, इसे अटैच करा देंगे। अटैच करने के बाद क्या होगा कि यहाँ से जिस पोजीशन पे मतलब ये रखा हुआ है ये बिल्कुल बराबर है ना, मैं शो करने के लिए बनाया है ऐसे ताकि तुम समझ जाओ कि दोनों ये पास पास है, मतलब दोनों शो हो जाए हमें, बाकी बिल्कुल जैसे ताश के पत्ते होते हैं या कुछ ही मान लो आप बिल्कुल बराबर साइज के होंगे, और ये पूरा जो बैंड है ये पूरा जो फिल्म है इस अटैच में रहेगी इस बैंड इससे जेल मेम्ब्रेन से। फिर क्या होगा कि ये बैंड जहाँ पर होगा वहाँ पर रेडियो एक्टिव होगा तो यहाँ से चमकेगा, इस जगह से एक्सरे फिल्म चमकेगी, इस जगह से एक्सरे फिल्म चमकेगी, इस जगह से जहाँ पर बैंड होगा ना पर बैंड होगा वहाँ पर रेडियो एक्टिव प्रोब होगा, और रेडियो एक्टिव प्रोब होगा जहाँ पर वहीं से एक्सरे फिल्म चमकेगी, तो हमें ये बैंड प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। अब देखो आप क्या है, आगे ये था कि हमने जो अभी थोड़ी देर पहले एक स्लाइड बनाई थी, फर्स्ट स्लाइड में ये था कि मैंने ये बनाया था शायद कैसे को डायग्राम बनाया था, एक जेल इलेक्ट्रोपोलिसिस जैसा ना, इस तरह का डायग्राम बनाया था मैंने एक, जिसमें मैंने ये बताया था कि इलेक्ट्रोपोलिसिस इक्विपमेंट है, इसमें ये बेल्स है जिसमें हम डीएनए डालेंगे, शायद तुम्हें याद होगा, ठीक है। मैंने इसको सैंपल के लिए कहा था, सैंपल है ये ए बी और सी, ये तीन क्या है सस्पेक्ट है, इन पर कुछ शक हो रहा है कि भाई ये इसमें इन्होंने वहाँ पर जैसे किसी का मर्डर किया है, मान लो ए बी और सी में से किसी ने मर्डर किया है। हमने ये सब कुछ किया और करने के बाद हमने क्या किया कि ये जो इसमें जो मैंने बताया था सैंपल में डाला था यहाँ पर बैंड ऐसे आ गए थे, ऐसे ही इसमें भी कुछ बैंड आएंगे, इसमें भी कुछ बैंड आएंगे, सेम प्रोसीजर इसके तीनों के लिए फॉलो करेंगे, सेम प्रोसीजर तीनों के लिए, मतलब इस पर पहले हम क्या करेंगे ए का कह लेंगे मैंने ब्लड ले लिया, मान लो इसका ए का ब्लड लिया, ब्लड लेने के बाद उसके ब्लड से उसमें से डीएनए निकाला, तो डीएनए निकाल के फिर क्या किया उसको फ्रेगमेंटेशन किया, फिर क्या किया उस फ्रेगमेंट को सेपरेट किया, सेपरेट करने के बाद उसकी उसको उसकी ब्लोटिंग की, ब्लोटिंग करने के बाद वही रेडियोग्राफी, मतलब यहाँ तक मान लो ऐसा करो इसको ऐसे मान सकते हैं, तो ब्लोटिंग तक से पहले सेपरेशन तक हमने क्या किया एक टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे कह लिया हमने सैंपल ले लिया, ठीक है। फिर एक टेस्ट ट्यूब है इसमें हमने सस्पेक्टेड ए का सैंपल लिया, दूसरी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर सस्पेक्टेड बी का सैंपल लिया, और तीसरी टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर सस्पेक्टेड सी का सैंपल लिया, यहाँ पर तो सैंपल वहाँ से था और ये पर तीन सैंपल ले लिया। फिर जो प्रोसीजर इसके लिए फॉलो किया यहाँ तक वही ए के लिए करेंगे, वही बी के लिए करेंगे और वही सी के लिए करेंगे, कहाँ तक जहाँ तक सेपरेशन होता है, कहाँ तक सेपरेशन तक फ्रेगमेंट का सेपरेशन कर लिया,
सबको हमने किस पे ले लिया, सेपरेट करके जेल पे ले लिया। ठीक है, जेल पे लेने के बाद फिर इसकी ब्लोटिंग करेंगे, सबकी एक साथ ब्लोटिंग होगी। चलो सबकी एक साथ ब्लोटिंग कर देते हैं, सारे के सारे बैंड्स है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मेम्ब्रेन पे ले लेंगे। मेम्ब्रेन पे लेंगे तो फर्स्ट वाला कौन सा था, सैंपल का था, सेकंड वाला किसका था, ए का था, थर्ड वाला किसका था, बी का था, और फोर्थ वाला सी का, ये ध्यान रखना। मेम्ब्रेन पे ले लिया, फिर मेम्ब्रेन पे लेने के बाद हम जैसे हमने से क्या की, पहले ध्यान देना हमें बैंड नहीं दिख रहे हैं, हमने ब्लोटिंग की, ब्लोटिंग के बाद क्या ली हमने, क्या किया हमने, प्रोबिंग मतलब हाइब्रिडाइजेशन किया, हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद क्या किया हमने, फोटो रेडियोग्राफी, फोटो रेडियोग्राफी। अभी बार बार तो डायग्राम बनाऊंगा नहीं, इसलिए मैंने एक में बता दिया सारी चीजें, पहले ब्लोटिंग की, ये ब्लोटिंग हो गई, फिर हाइब्रिडाइजेशन किया, उसके बाद ऑटो रेडियोग्राफी, बैंड आएंगे अब देखो। तो मैंने तीन बैंड बनाए थे, जैसे मान लो एक बैंड यहाँ पे आया सैंपल का, एक बैंड मान लो यहाँ पे आ रहा है सैंपल का, एक बैंड यहाँ पे। ठीक है, ये कब आए, जब हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, ऑटो रेडियोग्राफी करा ली थी। अब हम क्या करेंगे इसका, देखेंगे ए का, तो ए का एक बैंड यहाँ पे आ रहा है, एक बैंड यहाँ पे आ रहा है, मान लो इसके पांच बैंड आ गए, दो बैंड यहाँ पास पास आ रहे हैं, एक बैंड यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही तीसरा हमने लिया, उसका एक बैंड यहाँ पे आ रहा है, एक बैंड यहाँ पे आ रहा है, एक बैंड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, एक बैंड यहाँ पे आ रहा है। ऐसे ही फोर्थ है उसका, भी हमने कुछ ऐसे कुछ कर लिया। हमने देखा इसमें कि ये देखो ऐसे हमारे पास क्या हो गए, इस तरह से फिल्म एक्स फिल्म मिली, उसमें इस तरह से बैंड मिले। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें ये देखेंगे कि कौन से बैंड मैच कर रहे हैं। तो तुम देखोगे इसमें ये तो क्या है, सैंपल वाला है एक, ये बैंड सैंपल, तीनों बैंड सैंपल है ना, इनसे किसका बैंड मैच कर रहा है। तुम देखोगे इसमें एक का कोई सा बैंड मैच नहीं कर रहा है, मतलब ए सस्पेक्टेड था, वो अब मान सकते कि ये उसका सैंपल नहीं है। फिर हमने बी का देखा, बी से लगभग ये मैच कर रहा है, एक तो ये ना बी से ये भी मैच कर रहा है, लगभग आ गए बराबर बैंड, पर बी से ये भी मैच कर रहा है, तीनों बैंड इस बी से मैच कर गए। तो ये मान सकते हैं कि जो जहाँ पर क्राइम सीन था, क्राइम सीन पर सस्पेक्टेड बी का सैंपल मैच हो रहा, सी का भी नहीं हो रहा, सी को देखो तो सी का मैच नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्राइम सीन पे हमें जो सैंपल मिला है वो सैंपल बी का है, मतलब बी का लिंक है किससे, उस क्राइम से। तो ये तीन सस्पेक्टेड में से हम बोल सकते हैं क्रिमिनल कौन है, बी इज ए क्रिमिनल। इस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंट करते हैं, और डीएनए फिंगरप्रिंट में यही बात बता रहा हूँ, ये फिंगरप्रिंट प्राप्त हो गया, मैं डीएनए का फिंगरप्रिंट प्राप्त हो गया, इसमें ए बी सी तीनों का फिंगरप्रिंट मैच नहीं करेगा। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कुछ सिग्नल्स मैच करती है, मैंने कहा था कि 99.9%, लेकिन जब हम फिंगरप्रिंट करते हैं तो उसमें जो प्रोब यूज किया है वो सर सिग्नल मैच कर रही होगी, लेकिन जो प्रोब यूज किया था उस प्रोब से ये एक्सैक्ट सेम मैच कर रही है। और यही तुम एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, उसे खुद से देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसने कुछ नहीं बना रखा डायग्राम, जो मैंने बनाया डायग्राम ये इसमें बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी जितना है उसे तुम ढंग से पढ़ना है। ये डायग्राम तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा जो मैंने बनाए हैं, लेकिन इस डायग्राम में से कुछ आ सकता है। एनसीईआरटी में देखोगे तुम, उसमें क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16 का फिंगरप्रिंट किया लिया था, और उसे बैंड प्राप्त किए थे। उसमें देखा कि दो सस्पेक्टेड थे, एक तो ए और एक बी, तो उसमें से तुम देखोगे कि इसमें शायद बी जो है डीएनए, बी का डीएनए वो मैच कर रहा है ना। तो ये है उसमें सर। सर अपन ने एक्सरे जो फिल्म ली उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? एक्सरे फिल्म की रिक्वायरमेंट ये है कि जो बैंड थे ना, जैसे ये बैंड इस पे थे, किस पर, मेम्ब्रेन पर, मेम्ब्रेन पे तो थे बैंड लास्ट में, मेम्ब्रेन पे बैंड लास्ट में थे, तो अब जब इससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इसे अंदर में ले जाएंगे तो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, ये रेडियो एक्टिव शो करेगा, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो रेडिएशन बाहर निकलेगी, इससे क्या निकलेगी बाहर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएशन बाहर निकलेगी। अभी रेडिएशन जब बाहर निकलेगी ना, तो जिस स्थान से निकलेगी वहीं पर हमने क्या लगा रखा है, फिल्म,
एक्स थीम लगा रखी है, मान लो यहाँ से निकले तो यहाँ पर कुछ बैंड है ना, वो मतलब एक तरह से इमेज बन जाएगी जहां से रेडियो एक्टिव, जैसे तुम वो देखते नहीं क्या, अरे एक्सरे करवाते हैं ना अपन, तुम देखते हो कि जहां से ट्रांसमिट हो जाती है वहां से कुछ बनता नहीं, और हड्डियों में से मतलब हड्डिया को हड्डियों कराते ना एक्सरे करवाते हैं, तो रेडिएशन तो डालते हो उसके अंदर, तो रेडिएशन ट्रांसमिट हो गई वहां तो इमेज बनेगी नहीं, पर जहां से ट्रांसमिट नहीं हो रही वहां बन जाएगी। तो उसी उसी तरह का लगभग प्रोसीजर है कि यहाँ पर अंधेरे में ले जाएंगे इसको, तो ये जो बैंड है ना डीएनए नहीं बैंड, डीएनए इसमें रह जाएगा लेकिन इस स्थान का जो बैंड मतलब इसी स्थान पर हमने क्या लगाई थी एक्सरे फिल्म लगाई थी, तो पूरा तो ब्लैक रहेगी, पूरी एक्सरे फिल्म ब्लैक रहेगी लेकिन जहां से रेडिएशन निकल रही है ना वहां 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 क्या हो जाएगा मतलब हल्की सी वो होता है लाइट कलर हो जाएगी, वहां से रेडिएशन के कारण वो लाइट कलर हो जाएगी, हमें बैंड दिख जाएगा। जैसे एक्सरे देखते हैं ना अपन किसी भी ऑर्गन का, उसमें देखोगे तुम कि पूरी ब्लैक ब्लैक होती है लेकिन जहाँ पर कोई ऑर्गन होता है बोन्स वगैरह तो वहाँ पर वो थोड़ा लाइट कलर हो जाता है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पर, इसलिए एक्सरे फिल्म को यूज करते हैं ताकि बैंड को देख सके, क्योंकि ये जो है ना ये इस पे हमें बैंड दिख नहीं रही है, ये ध्यान रखना, ना तो इस पे दिख रहे हैं ना इस जेल पे दिख रहे हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि हमने ट्रांसफर करा दिए बैंड को रन करा दिया, बाकी दिखेगा कब जब हमें इसे एक्सरे फिल्म पर डालेंगे, वैसे दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। दोनों टॉपिक क्यों, जैसे अब मैं बात करता हूँ तुम्हारे रिवीजन की है ना, तो रिवीजन मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसमें से सिर्फ मैंने एक टॉपिक छोड़ा था वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं था इसलिए बताया नहीं, पर बाय द वे अगर हमारे पास थोड़ा टाइम मिल भी रहा तो पढ़ भी लेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो इसे सिंपल वर्ड में कह देंगे हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हम क्या पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लिक एसिड पढ़ा था शायद न्यूक्लिक एसिड ही पढ़ा था, यस सर, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर पढ़ी थी। तो एक तो तुमने जैसे वो पढ़ी थी कौन सी, वॉटसन क्रिक वाला मॉडल, वो तो तुमने 9-10 में पढ़ा होगा ना, लेकिन हमने थोड़े मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ा था इसको है ना, नाइट्रोजन बेसिस वगैरह न्यूक्लियोटाइड वगैरह इनका केमिकल स्ट्रक्चर हमने इनका क्या पढ़ा सबका, सभी का, ये सब की बात हो रही है न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजन बेस सबका हमने केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, ये पढ़ लिया था। उसके बाद हमने उसके बाद पढ़ा था डीएनए पैकेजिंग, डीएनए पैकेजिंग, डीएनए कैसे पैकेज हो रहा है वो हमने कंप्लीटली मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, हमने अब तक जो पढ़ा ना पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम ये मान लो अगर तुम्हारे कितने क्वेश्चन आते हैं 90 क्वेश्चन आते हैं, 90+90 आते हैं ना, ये 90 आते हैं 45+45 है ना, हाँ तो 90 में से कम भी नहीं ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन आराम से इसमें से, मतलब ये नहीं 5 से 6 ज्यादा भी हो सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक पड़ता है, काफी टफ है और ये इंटरलिंक्ड है और टॉपिक से भी रिलेटेड है जेनेटिक्स का जो है। अच्छा डीएनए पैकेजिंग पढ़ लेती है अपन ने, उसके बाद हमने इसी में आगे हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी वगैरह है ना, न्यूक्लिक एसिड डिस्कवरी कैसे हुई थी क्या हुई थी है ना, ये पढ़ी थी हमने, खोज कैसे हुई थी इसकी। उसके बाद इतना करने के बाद हमने फिर स्टार्ट किया था डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये बताओ डीएनए रेप्लिकेशन में किसी को डाउट है, कोई भी डाउट, इसमें मैंने सिर्फ ये चीज छोड़ दी थी टीलोमेरेज वाली, टीलोमेरेज आज पढ़ लेंगे थोड़ा समझा दूंगा तुम्हें है? इसके अलावा कोई डाउट है तुम्हारा डीएनए रेप्लिकेशन, मुझे लगता तुम्हें याद हो गया होगा। इसके बाद रेप्लिकेशन के बाद हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन, फिर हमने पढ़ा था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए प्रोसेसिंग। तो उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांसलेशन और लास्ट इसमें 8वें नंबर पढ़ा था हमने क्या, जीन रेगुलेशन, तो सारा पढ़ लिया थे जल्दी। उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और लास्ट में हमने क्या पढ़ लिया डीएनए फिंगरप्रिंट। ये मैंने इतने टॉपिक लिख दिए जो हमारे कंप्लीट हो गए। अब इनमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, अभी तो बैठा हूँ।
नहीं फिर मैं आगे मैं सोच रहा हूँ कि टाइम थोड़ा सा कम है नया टॉपिक शुरू करने का, तो फिर मैं तुम्हें ये टॉपिक थोड़ा एक्स्ट्रा में बता दूंगा, क्योंकि इसके बारे में कुछ क्वेश्चन आ सकता, संभावना आ जाए, एम्स वगैरह तो ही जाएगा अगर कोई दे रहा है तो। कोई डाउट किसी को? अरे आवाज आवाज तो आ रही है तुम्हारे पास मेरी? अच्छा, मतलब डाउट बिल्कुल नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें सारा याद हो गया होगा, और अगर ये पेपर तुम्हारा लगता है, अगर मैं इसमें 50 क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें करने के लिए, 45 क्वेश्चन, तुम 45 से 45 कर लो। सर एनसीईआरटी में तो बहुत ही कम दिया हुआ है। मैं एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी तुमने वो तो पढ़ ली ना पूरी, एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर ली ना, एनसीईआरटी से कुछ रहा तो नहीं? नहीं सर, हो गया सर। बस फिर एनसीईआरटी में से एक भी लाइन तुम्हारी छूटनी नहीं चाहिए। अच्छा मुझे कोई भी बताओ तो, जैसे न्यूक्लिक एसिड डिस्कवरी की थी उसके उसमें बताया था कि भाई कोई बैक्टीरिया है, ग्रिफिथ ने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया था, जल्दी बताओ। कोई नहीं बता रहे लोग, तुम कितने लोग जुड़े हुए? स्ट्रेप्टोकोकस। आगे बुक देख रहे हो क्या भाई? ये क्वेश्चन तुम्हें याद हो? चलो ये बताओ, मेसेलसन स्टाल ने कौन सा आइसोटोप यूज किया था, जल्दी बताओ। हो गया ना कंफ्यूज? अरे P32 और S35 तो हर्षी और चेस ने यूज किया था, और नाइट्रोजन जो आइसोटोप था 14 और 15 N15 N14 जो थे वो किए थे मेसेलसन स्टाल ने। अब बताओ सर, कितना सिंपल क्वेश्चन था, और ऑप्शन में दोनों आएंगे, ये ध्यान रखना, ऑप्शन में ये भी आएगा, ऑप्शन में ये भी आएगा। अब भले हर्षी और चेस वाला पूछे चाहे मेसेलसन स्टाल वाला पूछे, नहीं कंफ्यूज हो गया ना? अच्छा कोई बात नहीं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन बोले तुम्हें कितना ही सिंपल लगे, तो मतलब कितना ईजी लगे, तुम्हें हर एक टॉपिक ढंग से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, रिवीजन बार बार करना है। देखो मैंने बिल्कुल सिंपल पूछा, तो मैं तो यहाँ तक पूछा ही नहीं, ये रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन तो पूछा ही नहीं, प्रोसेसिंग के बारे में पूछा ही नहीं। अच्छा मुझे बताओ प्रोसेसिंग, चलो पूछ लेता हूँ, आरएनए प्रोसेसिंग में स्प्लाइसिंग होती है, वो कौन से एंजाइम द्वारा होती है, कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है? एसएनआरएनए होता है, उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है स्प्लिसियोसोम, ये होता है स्प्लिसियोसोम होता है, जो एसएनआरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, स्नर्प्स भी कहते हैं इनको, स्नर्प्स, स्नप्स भी कहते हैं। चलो फिर भी एसएनआरएनए भी ठीक है, वैसे एसएनआरएनए में एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम पढ़ लोगे, मुझे उम्मीद है तुम पढ़ लोगे, तो मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि डेट तुम्हारे पास आ रही है, तो या तो मैं मॉर्फोलॉजी शुरू करूँ या फिर टीलोमेरेज पढ़ाऊँ, बताओ 15 मिनट तुम्हारे पास बच रहे हैं, टीलोमेरेज एंजाइम क्या चाहते हो? मॉर्फोलॉजी बढ़ा दो। मॉर्फोलॉजी सर, मॉर्फोलॉजी अलग टॉपिक है, पूरा टॉपिक अलग है, टेलोमेरेज इससे जुड़ा हुआ है, और जितना तुम्हारे काम का था वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया था, ये भी है, बट तुम नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो ठीक है, और अगर तुम चाहते हो सर नहीं मॉर्फोलॉजी पढ़ा दो शुरुआत कर दो तो वो कर लेते हैं, बताओ। सर मॉर्फोलॉजी करा दो। चलो ठीक है। यस सर, मॉर्फोलॉजी ना, टेलोमेरेज तो जितना मैंने पढ़ाया था ना, एंजाइम क्या है, क्या करता है, कंटेंट क्या है, कौन सी ड्यूटी है, वो सारा याद कर लेना, 5-6 लाइन तो मैं लिखवाई थी इसके लिए, वो सफिशियंट है ठीक है।
तो अब हम अपना जो जो बड़ा टॉपिक है कि ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ प्लांट मॉर्फोलॉजी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे भी आते हैं पर बच्चे इसको ढंग से पढ़ते नहीं। प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? मॉर्फोलॉजी मीन्स प्लांट मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। प्लांट्स, प्लांट्स के बाह्य जो स्ट्रक्चर्स है, बाहरी स्ट्रक्चर है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। एनिमल मॉर्फोलॉजी में एनिमल का हो गया, प्लांट में अच्छा इसका अपोजिट एक होता है एनाटॉमी, एनाटॉमी के दो, एनाटॉमी के दो, इसमें इंटरनल का किया जाता है, तो इसके अपोजिट हो गई ना ये, इंटरनल स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करेंगे उसे एनाटॉमी कहेंगे, और एक्सटर्नल का कहेंगे करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो ये कोई क्वेश्चन तुम्हारे आने वाला नहीं है, सिर्फ सिंपली बताया है कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है। एक्सटर्नल फीचर्स, हमें प्लांट में क्या क्या दिखते हैं? हमें दो पार्ट मेनली दिखेंगे, ये ध्यान रखना। प्लांट्स में दो पार्ट हमें मुख्यतः दिखते हैं, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट। प्लांट्स के अंदर एक पार्ट हमें दिखेगा वो होगा वेजिटेटिव पार्ट, एक होगा कौन सा? रिप्रोडक्टिव। दो पार्ट होंगे वेजिटेटिव पार्ट, एक पार्ट होगा दूसरा होगा रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव पार्ट का रोल जो होता है वो रोल है, वो फूड सप्लाई हो सकता है, वाटर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकता है, फूड सिंथेसिस हो सकता है, इस तरह से, बट रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं द पार्ट ऑफ प्लांट विच नॉट इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन आर वेजिटेटिव पार्ट्स, है ना, बोल सकते हैं। जैसे मेजर पार्ट की बात करें तो रूट है, स्टेम, और क्या हो सकता है? रूट, स्टेम, स्टेम को हम सॉरी शूट कह सकते हैं ना, शूट। और तीसरा है लीव्स। तो तीन पार्ट, शूट मतलब रूट हो गया, अंडरग्राउंड पार्ट होता है मेनली अगर एक्सेप्शन भी इसके है पढ़ेंगे हम, शूट है, एरियल पार्ट हो गया जिसमें ब्रांचेस स्टेम है ना ये आ जाएंगे, लीव्स भी आती हैं और लीव्स अलग से पढ़ लेंगे हम। ये तीनों पार्ट है, इनमें जैसे नोड इंटरनोड वगैरह इसके एक्सेसरी पार्ट है वो सारे पढ़ लेंगे इसके अंदर। तो मेन पार्ट कौन से हो गए? रूट, शूट और लीव्स, ये हो गए कौन से? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, अब दूसरा बात करें तो वो है कौन सा? रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम बात करेंगे फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल जो पार्ट होगा इसका या पुष्प भाग जो होंगे वो सारे। अब फ्लोरल में भी दो पार्ट होते हैं, इसमें भी वेजिटेटिव होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसमें भी दो पार्ट हो गए। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन से होंगे पुष्प के अंदर? वो हो गए एक तो सेपल्स, या हम बोलेंगे क्या बोलते हैं उसे, सेपल्स, बाह्य दल, सेपल्स एंड पेटल्स। तो ये भी क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, लेकिन एक्सेसरी पार्ट होते हैं इसके, इसलिए इसी में फ्लोरल पार्ट में आ जाता है ये। और इसमें हो गया कौन सा? एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, तो किसी भी फ्लोवर के चार पार्ट तो मुख्य तो और भी होते हैं, लेकिन चार तो प्रमुख रूप से होते हैं, जिसमें दो वेजिटेटिव पार्ट है और दो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये वेजिटेटिव पार्ट एक्सेसरी है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, बस ये ध्यान रखना, ये हेल्प करते हैं, ये इस तरह के वेजिटेटिव नहीं है, ये हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में, इसलिए इसी का पार्ट माना जाता है। तो मेरे ख्याल से प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम जो पढ़ेंगे फ्लोरिंग पार्ट का पढ़ रहे हैं, इसलिए फ्लोवर पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या पढ़े हम? रूट, शूट,
और लीव्स, शूट में लीव्स भी आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो फिर भी हम अलग अलग पढ़ लेते हैं उसको, और रिपीटेड पार्ट ऑफ फ्लावर आ गया। तो मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ रहे हैं हम, मॉर्फोलॉजी सबसे पहला टॉपिक तुम्हारा है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट या जड़ जो है उसका हम क्या पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी आकारी। सबसे पहले रूट की जो डेफिनेशन हम देखें तो इसमें कुछ पॉइंट तुम्हें दिखने हैं, मतलब याद करने हैं। रूट सामान्यतः होते हैं सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल। दूसरा पॉइंट अंडरग्राउंड, बेलनाकार और अंडरग्राउंड पार्ट होता है। तीसरा पॉइंट इसमें डालना है वो है तुम्हें नॉन ग्रीन, नॉन ग्रीन मतलब अहरे, क्लोरोफिल रहित है ना, क्लोरोफिल लेस। ध्यान रखना जब भी हम रूट की डेफिनेशन देंगे तो उसमें ये तीन पॉइंट तो हमें ध्यान देना होगा कि रूट आर सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। दूसरा इसमें वो डेफिनेशन में क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे कि लेक ऑफ, इसमें क्या नहीं होंगे, लेक्स ऑफ इंटरनोड एंड नोड्स, ये भी ध्यान रखना, इंटरनोड्स एंड नोड्स ये दोनों इसमें नहीं होंगे, इसमें ध्यान रखना नोड और इंटरनोड नहीं होंगे, लेटरल रूट्स हो सकते हैं लेकिन नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट जो ध्यान देना है ये होते हैं क्या बोलते हैं उसे, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ये जियोट्रोपिक बोल सकते हैं, एंड नेगेटिव फोटोट्रोपिक, फोटोट्रोपिक नेगेटिव जियोट्रोपिक मतलब धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्वानुवर्ती ठीक है, और पॉजिटिव फोटोट्रोपिक और सॉरी नेगेटिव फोटोट्रोपिक प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती मतलब फोटोट्रोपिक मतलब हो गया कि प्रकाश की तरफ मूव करना, नेगेटिव फोटोट्रोपिक मतलब हो गया कि प्रकाश के अपोजिट, अपोजिट टू लाइट, लाइट के अपोजिट, ये जो हम बोलेंगे अंडरग्राउंड ग्रोथ करना है, अपोजिट टू लाइट बोल सकते हैं उसको ना। तो ये तीन जो चीजें हैं वो तुम्हें याद रखनी है रूट की, कि रूट क्या होती है, सिलेंड्रिकल, अंडरग्राउंड, नॉन ग्रीन पार्ट होता है। कोई पूछे क्या प्लांट की सभी कोशिकाओं में, सभी सेल्स में क्लोरोफिल होता है, तो हम बोलेंगे नहीं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार मैचिंग का आया था, उसमें प्लांट के आगे क्लोरोफिल लिखा हुआ था ठीक है, और एक चीज सेल वाले भी लिखी हुई थी, तो दोनों में से कौन सा सही है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करता, तो प्लांट सेल वाले से मैच कर रहा था, क्लोरोफिल दूसरे से मैच कर रहा था, तो बच्चे अधिकतर क्लोरोफिल करके तो सही कराए। जबकि हमें पता है रूट्स के मतलब ग्रीन पार्ट के अंदर ही, ओनली ग्रीन पार्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, बाकी नॉन ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल नहीं होता। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब जो तुम इसमें जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से आता है कि एक के रूट जो डेफिनेशन हो गई, रूट के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। रूट है इसके कुछ बुक्स में एनसीईआरटी वगैरह दो होंगे, लेकिन मैं तीन बताऊंगा कि तीन ही होते हैं। एक तो होता है टेप रूट सिस्टम, रूट सिस्टम लिख दो उसको ना, टेप रूट सिस्टम, टेप रूट सिस्टम ठीक है। एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम, रूट सिस्टम। एक होता है कौन सा, एडवेंटिशियस, एडवेंटिशियस मीन्स अपस्थानिक, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम।
टेप रूट सिस्टम, ये तो सब तुम सबको पता होगा। टेप रूट में क्या होता है, देखो रूट्स होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इस तरह से होती है ना। तो प्राइमरी रूट जो होती है सबसे पहले जो बनती है, प्राइमरी रूट जो होती है ये ध्यान रखना कि लॉन्ग लाइव्ड होती है, लॉन्ग लाइव्ड लास्ट तक रहती है। एंड किससे निकलती है, ये अराइजेस फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल मीन्स मूलांकुर, रेडिकल या मूलांकुर से निकलने वाली, मूलांकुर बोलते हैं हिंदी में से, रेडिकल या मूलांकुर से निकलने वाली प्राथमिक जड़ और लॉन्ग लाइव्ड होती है। प्राइमरी रूट लॉन्ग लाइव्ड होगी और इससे जैसे ये मान लो इधर बना रहा हूँ मैं, ये रेडिकल था, सीड में रेडिकल होता है और एक क्या होता है प्लूमूल होता है, रेडिकल से क्या बनी प्राइमरी जड़ बनी। इस तरह से एक प्राइमरी रूट बनेगी और रूट बनने के बाद क्या होगा, इसके लेटरल साइड से ये प्राइमरी चल रही है, लेटरल साइड से सेकेंडरी ऐसे रूट्स बनेगी, सेकेंडरी रूट्स बनेगी, लेकिन प्राइमरी क्या होगी लॉन्ग लाइव्ड होगी, चलती रहेगी आगे। फिर सेकेंडरी से टर्शियरी भी निकलेगी, सेकेंडरी से क्या होगी इस तरह से टर्शियरी भी निकलेगी, आगे भी हो सकती है लेकिन आगे फिर फाइबरस हो जाती है थोड़ी सी ना। इस तरह से जो रूट निकल रही है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो ये सिस्टम जिनमें होता है उसे बोलते हैं टेप रूट सिस्टम। और ये किस्म होता है, ये होता है डायकोर्सन। किसमें होता है ये डाइकोट्स में, अभी एग्जांपल लिखवा दूंगा मैं, चलिए देता हूँ यहीं पर। डाइकोट्स जो होते हैं उनमें टेप रूट सिस्टम सामान्यतः मिलता है। अब दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, डाइकोट्स वाला ध्यान रखना, पूछ ले सीधा सीधा आ जाता है एग्जाम में। फाइब्रस, अब देखो इसको मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूँ तो तुम समझ जाना। जैसे ये एक सरफेस है, सीड था यहाँ पे, सीड से प्राइमरी रूट निकली लेकिन वो खत्म हो गई। यहाँ पे मैंने रूट को लॉन्ग लाइफ दिखाया ना, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्राइमरी है वो अल्पकालिक होती है ना, या लॉन्ग लाइफ लिखते हैं शॉर्ट लाइफ लिखते हैं ना, शॉर्ट लाइफ प्राइमरी शॉर्ट लाइफ होगी। और जैसे यहाँ थी, यहाँ थोड़ी सी निकली बंद हो गई और इससे फिर इसी स्थान से प्राइमरी रूट जहाँ खत्म हुई वहां से काफी सारी रूट निकल गई गुच्छों के रूप में, इसे बोलेंगे फाइब्रस रूट। ठीक है, मतलब ये अल्पकालिक होती है, मींस शॉर्ट लाइव्ड होती है। और ये ऊपर क्या है, यहाँ पे स्टेम होगा, स्टेम के जस्ट नीचे रूट है, तो रूट ऐसा लगता है स्टेम से निकल रही है, इस तरह से होगा ये, लेकिन स्टेम से ना निकल के क्या होती है, ये जो रेडिकल होता है वहीं से निकलती है, प्राइमरी रूट जहाँ होती है वहीं से निकलती है, लेकिन प्राइमरी शॉर्ट लाइव्ड होती है, फिर वहां से क्या निकलेगी फाइब्रस रूट निकलेगी। और फाइब्रस फाइब्रस रूट जो होती है वो एग्जांपल इसका है किनमें, मोनोकोट्स में। तो मोनोकोट्स में प्राइमरी रूट शॉर्ट लाइव्ड होती है और फाइब्रस रूट होती है। यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा, जैसे बीट का प्लांट है, मक्के का है, गन्ने का तुम देखोगे वहां पर। तीसरा जो है वो है एडवेंटिशियस रूट, ये ऐसे कह रहा है कि जो रूट जो होती है ना वो एक तरह से मॉडिफाइड होती है और ये रेडिकल के अलावा, बस ये ध्यान रखना इन दोनों मंत्र क्या है, ये अदर देन रेडिकल, ये ध्यान रखना अदर देन रेडिकल अराइजेस फ्रॉम अदर देन रेडिकल पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब रेडिकल के अलावा, प्लांट का रेडिकल के अलावा कोई सा ही पार्ट, भला स्टेम हो है ना, कोई सा पार्ट होगा रेडिकल के अलावा, स्टेम हो सकता है, लीव्स हो सकती है, ब्रांचेज हो सकती है, कहीं से भी जो निकलता है उसे बोलते हैं हम क्या, एडवेंटिशियस रूट। जैसे तुम देखोगे जैसे बेनियन ट्री है, बेनियन ट्री के अंदर भी, या तुम इसमें छोड़ो उसको देख लो, तुम देखते होंगे जो शुगर केन है, गन्ना है, मक्का है, शुगर केन या मेज है ना, इनमें क्या होगा कि तुम देखोगे जड़े जो होती है ना, जैसे मान लो मेज का तुमने देखा होगा शायद, मेज नहीं तो गन्ना देखा होगा,
गन्ने का जूस पीते हैं अपन, तो उसको तुम देखोगे ऐसे नोड इंटर नोड वाला तना होता है, और जैसे मान लो सरफेस है, इस सरफेस से यहाँ से तो क्या निकलेगी, फाइब्रस रूट है। ध्यान रखना गन्ने के अंदर जो नीचे नीचे होती है ना जो, क्योंकि मोनोकोट है तो फाइब्रस रूट होगी, लेकिन यहाँ से कुछ रूट निकली होती है जो अटैच होती है सरफेस से, स्टेम्स निकलती है, इनको स्टिल्ट रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिल्ट रूट। ये एडवेंटिशियस रूट है। तो अगला अब जब हम भी कभी पढ़ेंगे आगे, तो एक तो रूट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और फिर इसके मॉडिफिकेशन, इसके मॉडिफिकेशन से देखो, एक तो ये ध्यान रखना कि ये जो रूट सिस्टम पढ़ा है ना, इसमें दो चीज ये चीजें पूछ सकता है कि टेप रूट सिस्टम क्या है ना, और किस पार्ट से निकलता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तीन चीज इसमें याद रखनी है, इसमें भी कौन सी शॉर्ट लाइव्ड है और एग्जाम्पल क्या है। इसमें भी ये ध्यान रखना कि रेडिकल के अलावा निकलती है, बस ये ध्यान रखना तुम्हें कि ये रेडिकल के अलावा निकलती है, और इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं तो हम पढ़ लेंगे सारे, है ना। ये तीनों चीज याद रखनी है। इसके बाद जब हम इसके मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन मॉडिफिकेशन से बहुत सारे आते हैं, ये ध्यान है। इंपॉर्टेंट ऐसा मॉडिफिकेशन ये स्टेम हो चाहे रूट हो चाहे लीव्स हो चाहे कुछ भी, आगे पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मॉडिफिकेशन और उनके एग्जाम्पल्स हैं, मॉडिफिकेशन पढ़ो और एग्जाम्पल्स पढ़ो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, तो तुम मेरे ख्याल से मॉर्फोलॉजी में कुछ पार्ट हमने शुरू कर दिया है, और आगे तुम्हें इसमें रटना बहुत सारा रटना होगा, वो सारा समझा दूंगा मैंने इसके एक एक करके। तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना कि तुम रोज इसको बार बार लर्न करोगे, आज पढ़ा आज के आज याद करना है, और इससे जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही अच्छा रहेगा एग्जाम्पल्स को। या फिर ऐसा करना, इसका याद करने का तरीका एक ये है कि एक पेज लिया, पेज में रूट की मॉडिफिकेशन ली, दूसरे पेज में स्टेप की मॉडिफिकेशन लिखे और दीवार पे चिपका दिए, फिर रोज उसे पढ़ रहे कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, कंपैरिजन भी हो जाएगा कि रूट के ये मॉडिफिकेशन है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, है ना, ये विच वन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ऐसा आ जाएगा। तो कहीं पे शुगर केन आ रही है, कहीं पे मतलब ये आ रहे हैं क्या बोलते हैं उसे पोटेटो आ रहे हैं, कहीं पे रेडिश आ रही है, तो कौन सी है, कौन सा फाइब्रस रूट का मॉडिफिकेशन है, कौन सा टेप रूट का मॉडिफिकेशन है, कौन सा एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में आता है कि कौन सा टेप रूट का मॉडिफिकेशन नहीं है या है, इस तरह से जब तुम पढ़ोगे तो उसका समझ में आएगा तुम्हें। तो तुम ये ध्यान रखना कि इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना, इसमें से आराम से तुम्हें आराम से 5-6 क्वेश्चन आराम से आते हैं, इसमें से भी आराम से बहुत आराम से आता है, पर ये पूरे पूरे सही होने चाहिए। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना, इसका मतलब बहुत कम सिलेबस है तुम्हारा, ठीक है। चलो मीटिंग को खत्म करता हूँ यहीं पे, थोड़ा टाइम हो, मुझे अगली क्लास भी ले लीजिएगा, ठीक हो जाए बाहर। ओके सर, थैंक यू सर।